Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina anbiya'i wal mursalin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu 'ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 79 है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाता है, इससे पहले यहूदियों का, ईसाइयों का, नसरानियों का ज़िक्र हुआ कि वो किताबुल्लाह में तहरीफ़ करते हैं, किताबुल्लाह की बातों को बदल डालते हैं, है ना। और फिर वो ये कहते हैं, यानी किताब बात अपनी है, मन घड़त बात है, अपनी ज़बान से बनाई हुई, अपने मन से बनाई हुई, लेकिन फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, मकसद है बस थोड़ा सा रुपया पैसा कमा लेना। तो ये कि ये अल्लाह की तरफ से, तो किताबों में वो हेर फेर करते हैं, तहरीफ करते हैं, तब्दील कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुवत, किसी भी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है। ऐसा इंसान के जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने किताब अता फ़रमाई, हुक्म यानी हिकमतें अता फ़रमाई, नबुवत अता फ़रमाई, फिर वो ये कहे, उसके लिए जायज़ नहीं है कि फिर वो ये कहे लोगों से कि कूनु इबादल्ली, तुम मेरी इबादत करने वाले बन जाओ, तुम मेरे इबादत गुजार बन जाओ, मेरे पुजारी बन जाओ, मेरी पूजा करने वाले बन जाओ, कूनु इबादल्ली, तुम मेरे इबादत करने वाले बन जाओ। कहते हैं ये किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है इस तरह का कहना, जबकि उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब अता फ़रमाई, हिकमतें अता फ़रमाई, नबुवत अता फ़रमाई। अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर मुझे अपना माबूद बना लो, मेरी इबादत करना शुरू कर दो। वलाकिन कूनू रब्बानियीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, हाँ लेकिन रब्बानी हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ, रब की इबादत करने वाले हो जाओ, उस वजह से कि जो तुम्हें किताब में सिखाया, बिमा तुअल्लिमून अल-किताब, उस वजह से जो तुम्हें किताब में तालीम देते हैं, सिखाते हैं, वह बिमा कुंतुम तदरुसून, और जो तुम्हें सिखाया जाता था पहले, जो तालीम दी जाती थी, जो दर्स दिया जाता था, जो सबक दिया जाता था, या जो सिखाया जाता था तुम्हें। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों और नसरानियों का रद्द फरमाया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका में मा काना लिबशरिन से मुराद, यहाँ बशर से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह का कौल है कि यहाँ बशर से मुराद अल्लाह के रसूल मुराद है, यानी कि हुजूर के लिए ये मुनासिब नहीं है, जबकि अल्लाह ने उन्हें किताब दी, हिकमत अता फ़रमाई। हिकमत कहते हैं दानाई को, है ना, जिसकी सोच बड़ी बुलंद बाला हो, तो उसे ऐसी जो हिकमत भरी बातें, यानी कि वो करता है, शॉर्ट बात होती है लेकिन उसमें बहुत से मानी मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा कर ही नहीं सकते, या ये किसी से, लोगों से कह नहीं सकते कि वो, यानी लोग जो हैं वो उनकी इबादत करें, जबकि अल्लाह ने उन्हें किताब भी अता फ़रमाई, हिकमतें अता फ़रमाई, नबूवत भी अता फ़रमाई, अल्लाह ने अता फ़रमाई। तो अल्लाह की तरफ से सारे अहकाम आते हैं, अल्लाह की तरफ से सारी बातें उन्हें सिखाई जाती है, किताब भी सिखाई जाती, हिकमत भी सिखाई गई, और सारी चीज़ें सिखा दी गई। तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसा शख्स और ऐसा आदमी जो है, ऐसा इंसान, वो कभी ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत मत करो। अल्लाह की इबादत से इनकार तो वही करेगा जो जाहिल होगा, जो अल्लाह की मारफत नहीं रखता, जो अल्लाह को नहीं जानता, जो अल्लाह को नहीं पहचानता। जो अल्लाह को नहीं जानता, गोया कि वो अपने खालिक व मालिक को नहीं पहचानता, नहीं जानता। अब वो किसी भी सूरत में कोई भी नाम हो, यानी बंदा अपने अपने हिसाब से नाम लेता है, अपनी ज़बान में अलग अलग नाम लेता है, लेकिन सारी कायनात का खालिक व मालिक वो एक ही ज़ात है, वो एक ज़ात है। अब चाहे तुम उसे अल्लाह कहो या कोई और नाम लेकर को, है तो अल्लाह, लेकिन ये कि हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला है। अब अगर कोई उसे ईश्वर कहता है, उसके थॉट्स और उसकी सोच वो कुछ अलग है,
उसके दिमाग में वो ईश्वर भी कुछ अलग बना हुआ है, पता नहीं कैसा कैसा होगा है। इसी तरह से जो है कोई गॉड कहता है तो गॉड में जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ले लेते हैं कि वो भी गॉड है ना, और हज़रत ईसा के फादर यानी अल्लाह तबारक व तआला माशाल्लाह है ना, वो भी गॉड, सबको गॉड में ले लिया। तो वो एक यानी कि उनका तसव्वुर, उनकी डेफिनेशन पता नहीं गॉड की, खुदा की क्या है, है ना। हमारी, हम मुसलमानों की और हम अहले ईमान की जो डेफिनेशन और जो तारीफ़ है भाई खुदा कौन, तो खुदा वो जो सारी कायनात का खालिक, जो सारी कायनात का मालिक, जिसने सबको पैदा किया उसे किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सबको पैदा किया उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबको देखता है, वो किसी को नज़र नहीं आता और कोई उसे देख भी नहीं सकता, है ना। देखना दूर की बात है, कोई उसे सोच भी नहीं सकता, इंसान के बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह को सोच सके। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई तस्वीर बनती है कि खुदा ऐसा खुदा वैसा, वो गलत तस्वीर है। इंसान सोच भी नहीं सकता, वो खुदा है। ला मिसलहू कमिसलिही शैउन, उसके मिसल उसके जैसा कोई नहीं, और सिर्फ कोई नहीं, नहीं कोई चीज़ नहीं, उसकी तरह कोई चीज़ नहीं। तो हम यानी कि कोई एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ मान लो कि ये या वो, कहते हैं वो कुछ नहीं, किसी भी चीज़ की तरह वो नहीं है। तो खालिक वो है अल्लाह तबारक व तआला, वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबका मालिक है, उसका मालिक कोई नहीं। वो सब पर अपना हुक्म नाफिज करता है, सब पर अपनी हुकूमत चलाता है, उसके सामने ऊँ करने की भी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की दम मारने की हिम्मत नहीं है। वो लफ्ज़ कुन से हर काम कर सकता है ना, वो इतना पावरफुल, वो हर चीज़ पर कादिर। तो अल्लाह की जो सिफतें हैं, अल्लाह के नाम जिस हम कहें 99 नाम है अल्लाह के, वो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह का नाम, ओरिजिनल नाम जो है ना, वो अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह ये उसका नाम है ना। ये बाकी सब रहमान रहीम, ये जो 99 हैं है ना, गफ्फार सत्ता, ये तो उसकी सिफतें हैं। जैसे इंसान के साथ लगता है ना कि डॉक्टर फला, इंजीनियर फला, तो इंजीनियर उसका नाम नहीं है, डॉक्टर उसका नाम नहीं है, नाम तो कोई फला नाम है उसके साथ, उसने यानी कि उसकी सिफत है कि वो डॉक्टर है, उसकी सिफत है कि वो इंजीनियर है, उसकी सिफत है कि वो मिस्त्री है या जो भी है, है ना। हज़रत, अल्लामा, मौलाना, हाफिज़, ओकारी, मुफ्ती, ये वो, ये सारी ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, है ना, ये सब सिफतें हैं, ये सब सिफत है, नाम तो कोई एक होगा, है ना। इसी तरह से अल्लाह, ये उसका ज़ाती नाम है, अल्लाह कोई और नहीं है, किसी और का नाम हो भी नहीं सकता, वो एक ही ज़ात है, एक ज़ात, उसके सिवा कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम एक ही है ना, अल्लाह, उसके सिवा किसी और का नाम नहीं, और उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो एक है अल्लाह, जो खुदा भी है, जो माबूद है, जो काबिल इबादत है, मुस्तहिक इबादत है। अब ये कि एक अल्लाह तबारक व तआला, और ये उसकी सारी सिफतें हैं, रहमान, रहीम, गफ्फार, सत्तार, है ना, करीम, ये सब उसकी अल्लाह तबारक व तआला की सिफतें हैं, ये उसमें पाई जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये तमाम सिफतें हम देखेंगे, अगर उसमें गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा है और उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाता है, वो रहमान और रहीम है ना, तो कैसा रहम फरमाता है कि कुछ लोग उसे गालियाँ देते हैं फिर भी उनका रिस्क बंद नहीं करता है। हाँ, अगर कोई बेटा अपने बाप को गाली दे दे है ना, तो बाप एक लात मार के बाहर कर देगा, दोपहर का रात का खाना बंद कर देगा कि इसको देना मत खाना है, नालायक को अब खाना मत देना। अगर कोई गाली देगा तो बुरा भला कहेगा तो बाप के सामने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को, कितने लोग हैं जो बुरा भला कहते हैं, वो समद है, बेनियाज, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क हमको पड़ना चाहिए, फ़र्क हमको पड़ना चाहिए कि हम उसके बंदे हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम माइक में अजान दो या ना दो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई, ये तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए माइक में देना शुरू, पहले कौन सा माइक था, किस ज़माने में माइक, पहले ज़माने में चलते नहीं थे माइक, तो बगैर माइक की अजान होती थी, तो उस ज़माने में इतने बड़े बड़े शहर भी नहीं थे,
छोटी छोटी बस्तियाँ थी, भाई एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, दूसरे मोहल्ले में दूसरी मस्जिद है, यहाँ के मोहल्ले में अजान हुई, यहाँ के मोहल्ले वालों ने सुन ली, वो नमाज़ पढ़ने पहुँच गए, है ना। थोड़ा सा ऊंचा चढ़ के मीनार वगैरह पर चढ़ कर अजान देते थे और पूरी बस्ती में सुना देते, तो मोहल्ले वाले नमाज़ के लिए आ जाते, तो उस मोहल्ले की उनकी मस्जिद होती, वहाँ अजान होती, वो लोग सुन लेते, वो लोग नमाज़ के लिए पहुँच जाते। हर एक का अपना अपना था। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं थी, इतने यानी कि शोर शराबा नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस और ये सब ट्रैफिक नहीं था, तो इतनी आवाज़ शोर शराबा भी नहीं होता था। जब नहीं होता था तो एक आदमी अजान देता था, सब सुन लेते थे, मोहल्ले वाले सब सुन लेते। अब हमारा हाल तो ये है कि आप देखें, एक यहाँ एक मस्जिद है न, मुस्लिम सोसाइटी में है न, देवचंदचाल में मस्जिद है न, घिलखड़ी में मस्जिद है न, गार्डाचाल में मस्जिद है, मस्जिद नहीं है। हाँ, अगर होती गणेश नगर में भी एक मस्जिद होती, फिर उधर के आगे के एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती, एक देवचंदचाल में मस्जिद होती, एक ये मोहल्ले में एक मस्जिद होती, एक गार्डाचाल में अगर ये यानी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की बस्ती होती वहाँ मस्जिद भी होती साथ में, तो फिर माइक की ज़रूरत नहीं होती, एक आदमी वहीं अजान देता, मोहल्ले वाले सुनते, नमाज़ पढ़ने पहुंच जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, एक मस्जिद हमने बनाई और वो कितना लंबा एरिया कवर कर रही है, तो अब माइक की ज़रूरत है। ये अल्लाह को कुछ लोग कहते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो तुम उसको माइक में अजान सुनाते हो? उसको सुनानी ही नहीं है अजान, उसको सुनाने के लिए नहीं है अजान, बंदों को सुनाने के लिए। अजान का मतलब ही ऐलान है, अजान का मतलब ऐलान, ऐलान है कि भाई अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर में जमा हो जाओ, ये ऐलान है, है ना। पहले नहीं होती थी, अजान ही नहीं थी पहले, बिल्कुल कोई अजान नहीं थी, है ना। तो लोग बस ऐसे ही आ जाते थे, सब जमा हो जाते, या कह दे भाई जब चलो बुला लो, तो जाके बुला रहा था, भाई चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब जमा हो जाते एक जगह, नमाज़ पढ़ लेते, बात ख़त्म हो गई, है ना। फिर मीटिंग और मशवरा हुआ, या रसूलल्लाह हर एक का अपना एक तरीका है इबादत के वक्त का, यानी लोगों को मुत्तला खबर देने का, मुत्तला करने का एक तरीका है उनका, कोई नाकूस बजाता है, बजा रहा होता है, तो कोई घंटे बजा रहा होता है ना, बिल टन 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 बजा रहा है, तो कोई ढोल बजा रहा, कोई कुछ ना कुछ यानी उनका है। तो हम पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हमारा कुछ होना चाहिए। तो किसी ने कहा नाकूस शुरू किया जाए, बजाया जाए, सरकार ने कहा नहीं वो तो यहूदी बजाते हैं, छोड़ो उसको नहीं बजाना। तो कहा बेल घंटा, क्या नहीं वो भी नहीं, वो कुफार बजाते, वो भी नहीं चाहिए। तो ये किया जाए, वो किया जाए, नहीं ये नहीं वो नहीं है। तो कहा एक काम या रसूलल्लाह, ऐसा न किया जाए कि एक आदमी जो ना मोहल्ले में घूम ले, गाँव में घूम ले, अस्सलातु जामिया, भाई नमाज के लिए यानी नमाज का वक्त हो गया, जमा हो जाओ, नमाज का वक्त हो गया, जमा अस्सलातु जामिया। तो अब वो कहा हाँ ये सही है, चलो ऐसा करते हैं। तो भाई तुम ऐलान कर दिया करना। तो अब वो मोहल्ले में घूम घूम अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, वो चक्कर लगा कर ऐलान कर रहा है, सारे लोग हाँ हाँ चलो नमाज का वक्त हो गया, सब जमा हो गए, सरकार ने नमाज पढ़ा दी। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि लोग देखते टाइम, एक मिनट ज़्यादा हो गए, दो मिनट ज़्यादा, ऐसा टाइम नहीं था। सारे लोग जमा हो जाते, सरकार अपने हुजरे से यानी बैठ कर वेट करते, सरकार अपने हुजरे से निकल कर तशरीफ लाते, आते नमाज पढ़ाते। कभी कभी ईशा में तो लोग सहाबा बैठ कर ऐसे पूरा दिन खेत में या बाजार में दुकान में काम किया, तो रात में अब मगरिब बाद खाना खा लेते थे, खाने का सिस्टम मगरिब बाद। ये एसिडिटी और ये शुगर और ये फलाडिका, ये जितना जो कुछ बीमारियां होती है वो सब खाना ईशा के बाद खाने की वजह से होती है। ईशा बाद खाना खाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, है ना, तो फिर सारी बीमारियों का घर पैदा हो। मगरिब बाद बंदे ने खा लिया हो तो ईशा पढ़ते पढ़ते भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा चल भी लिया आते जाते, तो थोड़ा खाना हजम हो गया, फिर उसके बाद खाने और सोने में चार घंटे का फ़र्क होना चाहिए तो कोई बीमारी ना हो, और अगर इतना फ़र्क नहीं है तो बीमारियाँ होनी होनी है। हाँ, तो बहरहाल ये कहने की बात यह कि अब वो मगरिब बाद खाना खा लेते और उसके बाद फिर आ जाते यानी कि आते ईशा के लिए नमाज के लिए, तो बैठ कर झोंके मार रहे होते, मार रहे, आंखें लग जाती थी, क्यों हुजूर आएंगे तो नमाज़ पढ़ाएंगे, तो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हुजूर कभी आ जाते, कभी जल्दी आते, कभी थोड़ा लेट होते, कभी भी आते नमाज़ पढ़ाते। बहरहाल तो अस्सलातु जामिया चला, फिर उसके बाद जो है ख्याल आया कि यानी हज़रत एक सहाबी रसूल थे हज़रत ज़ैद, उन्हें जो है ख्वाब आया और ख्वाब में उन्हें अजान के कलिमात सुनाए गए, बताए गए कि ये अजान के कलिमात है,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु, ये अज़ान के कलमात जो है वो उन्हें सिखा दिया गया। तो वो सुबह सुबह यानी ख्वाब में से उठे और सुबह सुबह दौड़ते आए अल्लाह के रसूल के बारे, या रसूलल्लाह मुझे ऐसा ऐसा ख्वाब आया। सरकार ने फरमाया ये तो बहुत अच्छा मुबारक ख्वाब है, ये हमारी अज़ान होगी, ये तुम्हें सिखाया गया वो अज़ान के लिए कि अज़ान होगी, तो तुम्हारी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है, है ना। हाँ अभी यानी कि मेरे जैसा आदमी अगर दे तो सिर्फ मुस्लिम यानी मस्जिद चाल ही वाले सुनेंगे, बाजू की चाल वाले भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अगर मकसूद भाई आकर दे रहे हैं अज़ान तो फिर आजू बाजू वाले मोहल्ले वाले भी सुन लेंगे, है ना। तो क्या कि तुम्हारी आवाज़ तो जो है ना वो डाउन है, इतनी बुलंद नहीं है। एक काम करो, हज़रत बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद है, तो उनको तुम उनको बोलते जाओ वो यानी कि दोहराते जाएंगे। तो हज़रत बिलाल दीवार पर चढ़ गए, दीवार के ऊपर चढ़ गए, ये इधर से बोलते जाते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर हज़रत बिलाल ज़ोर से पुकारते अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब यानी पूरे मदीने में आवाज़ गूंज रही है अल्लाहु अकबर अल्लाह। फजर की हज़रत उमर की आँख खुली, हज़रत उमर सुन रहे हैं, अरे यार मैंने ख्वाब में देखा ये कोई बोल रहा है ना, कोई पढ़ रहा है, मैंने ख्वाब देखा, इसको कैसे पता चल गया। दौड़ते हुए मस्जिद तक पहुँचे कि कौन है, देखा कि हज़रत बिलाल अज़ान दे रहे हैं। जब हो गए अज़ान तो हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं रसूलल्लाह यही कलमात मैंने भी ख्वाब में देखे हैं। सरकार फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि यानी ताईद भी हो गई कि हाँ सही ख्वाब है, ख्वाब सच्चा है, कि हज़रत उमर को भी ख्वाब आ गया कि हाँ ये कलमात होने चाहिए। तो बहरहाल ये फिर जो है अज़ान के कलमात शुरू हो गए, अज़ान देना तब से शुरू हुआ। तो ये अज़ान क्यों हुई शुरू? अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं, बंदों को सुनाने के लिए। बहरहाल तो ये तो एक अलग बात थी, कहने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ही अगर उसकी सिफात में गौर फिक्र करें तो बंदा जान लेगा, पहचान लेगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बहरहाल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इबादत के लायक है, जो मुस्तहिक इबादत है, और वही खुदा, उसके अलावा कोई नहीं। तो अब अगर कोई कहे कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मेरा सजदा करो, कहते हो ऐसा इंसान कोई जाहिल तो कह सकता है, कोई जाहिल तो कह सकता है, लेकिन वो इंसान कि जिसे अल्लाह ने किताब दी हो, जिसे अल्लाह ने हिकमतें अता फरमाई हो, और जिसे अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी, वो ऐसी बात कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में यहूद और नसारा ये जो है ना वो अल्लाह के रसूल फरमाते कि तुम ईमान ले आओ मुझ पर, यानी अल्लाह पर और मुझ पर ईमान लाओ, मेरी इताअत करो, मैं जो कहूँ मानो। तो कहते ये देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये देखो ये अपनी इबादत करवाना चाहता है, ये अपनी इबादत करवाना, ये कहता है कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरी इताअत करो। ये कोई बात हुई? हम तो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, इसकी इताअत क्यों करें? ये तो अपनी इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी इबादत करवाना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, मा काना लिबशरिन, है ना, ऐसे इंसान के लिए कि जिसे अल्लाह ने किताब हिकमत नबुव्वत दी हो, ऐसे इंसान के लिए ये मुनासिब ही नहीं, ये जायज़ ही नहीं, मुहाल है, जायज़ वाइज का मुहाल है, हो ही नहीं सकता, है ना, -100% नहीं हो सकता, वो 0% भी नहीं, उससे भी नीचे पहुंच जाए, है ना, 0% के बाद भी हज़ारों परसेंट। तू कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुम्मा यानी अल्लाह ने ये सब कुछ दिया हो, सुम्मा यकूल अलिन्नास, फिर वो लोगों से यूँ कहें कि कूनू इबादल्ली, कि तुम मेरे आबिद बन जाओ, तुम मेरे इबादत गुजार बन जाओ, मेरी इबादत करो, है ना। कहते ऐसा नहीं हो सकता, मिन दुनिल्ला अल्लाह के सिवा, वलाकिन कूनू रब्बानी गीना, हाँ लेकिन वो क्या कहते हैं, उनकी तालीमात क्या है? उनकी तालीमात यह है कि तुम रब्बानी बन जाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, है ना। अब ये अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले क्या मतलब? कहते हैं अल्लाह के सिवा हम किसी को इबादत न करें, किसी की इबादत न करें, अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद ना माने, अल्लाह के सिवा किसी को अपना खुदा ना माने, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को अपना रब माने, बस वो है तनहा ज़ात, उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। अब ऐसे मुसलमान भी हैं कि जो बज़ाहिर नाम के मुसलमान हैं, नमाज भी आकर पढ़ लेते हैं, जुमा ईद वगैरह की पढ़ लेते हैं, और उनके घरों में मूर्तियां भी रखी हुई है, फ़ोटो भी रखे हुए हैं, और उस पर भी वो धूप और अगरबत्ती वगैरह करते हैं, और उनको समझाते हैं कि सब निकालो, तो कहते हैं अगर निकाला कोई नुकसान हो गया तो। आज भी वो सोच उनकी वैसी है कि हमारा कुछ नुकसान हो गया तो लगाए बैठे हैं, है ना, ये यानी कि
काठियावाड़ के बनासकांठा वगैरह के इलाके में या राजस्थान से जो इलाका मिला हुआ है गुजरात का, उन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा मुसलमानों में यानी कि जहालत पाई जाती है। तो बहरहाल ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अंबिया इकराम तो जो तालीम देते हैं उनकी तालीम क्या है, कुनू रब्बानी गिन, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब, है न, उस वजह से जो तुम्हें किताब में सिखाया गया, किताब सिखाई गई है न, किताब की तालीम तुम्हें दी गई। किताब में कहीं भी, खुद अल्लाह के रसूल ने तो कहा ही नहीं, लेकिन किताब में भी कहीं हुक्म मौजूद नहीं है कि तुम हुजूर का सजदा करो या हुजूर की इबादत करो, ऐसा नहीं है। हुजूर ने भी कभी नहीं कहा, बल्कि सहाबा ने इबादत का सजदा नहीं, ताज़ीम के सजदे की इजाज़त चाहिए। या रसूलल्लाह, वो एक दिन यानी कि ऊँट पागल हो गया था और बाग में बंद था, जो भी जाता काटने दौड़ता था, काटने दौड़ता, और ऊँट बड़ा ज़बरदस्त काटता है ना, कुत्ते में अगर 7 इंजेक्शन हो तो उसमें 14, और इसमें 14 हो तो उसमें 28 इंजेक्शन लगेंगे, इतना ख़तरनाक काटता है ऊँट। तो वो पागल हो गया, वो काटने दौड़ता था, तो कहते हैं कि बंद कर दिया बाग में, सरकार का वहाँ से गुजर हुआ, सब जमा थे, कहा क्या हुआ, कहा ऊँट पागल हो गया, सबको काटने दौड़ता है, कहा खोलो, कहीं हुजूर आपको तकलीफ़ पहुँचा देगा, कहा नहीं खोलो। दरवाज़ा खोला, जैसे ही दरवाज़ा खोला, सरकार जैसे ही अंदर गए, ऊँट ऐसे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ गुस्से में, लेकिन जैसे ही यानी वैसे तो कोई और होता तो उड़ा देता, लेकिन देखा सरकार को तो फिर नरम पड़ गया, ठंडा पड़ गया, सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, है ना, सारा पागलपन दूर हो गया, और हुजूर की बारगाह में आया, आकर उसने हुजूर को सजदा किया, है ना, हुजूर को आकर सजदा किया। सहाबा ने देखा कि ऊँट ये इंसान होकर नहीं करे, ऊँट होकर, जानवर होकर हुजूर को सजदा करता है। तो फिर बहरहाल सरकार ने उससे पूछा, भाई क्यों ये सारे नाटक क्यों है तेरे, क्यों काटने दौड़ रहा है सबको? तो उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं जब तक जवान था और बराबर काम कर सकता था, तब तक मुझे पेट भर कर खिलाया गया, मेरे मालिक ने खिलाया, और जब से मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब कमज़ोर हो गया, इतना काम नहीं कर पाता हूँ, तो ये मुझे खाना भी नहीं खिलाता है, पेट भर कर खाना भी नहीं खिलाता, मुझे देता नहीं है। तो ये शिकायत थी। तो सरकार ने मालिक को बुलाया, उससे तलकीन की कि जब उसकी जवानी थी तुमने उसे इतना काम लिया, अब वो बूढ़ा हुआ तो अब भी तुम उसे उसका रिस्क दिया करो, उसे खिलाया पिलाया करो, ऐसे मत किया करो। बहरहाल तलकीन की। अब ये सहाबा जिन्होंने देखा, तो एक साहब अस्कर, या रसूलल्लाह ये ऊँट होकर आपको सजदा करता, तो हम तो इंसान हैं, हम तो समझदार हैं, वो जानवर होकर सजदा करता, हम तो इंसान हैं, हम आपको सजदा ना करें अल्लाह, अब ये हम आपको सजदा ना करें, इबादत के सजदे की बात थी नहीं, इबादत सहाबी इबादत का सजदा करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि ताज़ीम का सजदा, ताज़ीम का, है ना, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सारे फरिश्तों ने किया, इबलिस ने नहीं किया, सारे फरिश्तों ने किया हज़रत आदम को, तो वो ताज़ीम का सजदा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को उनके माँ बाप और उनके 11 भाइयों ने सजदा किया, तो ये ताज़ीम का सजदा था, माँ बाप ने भी किया और 11 भाइयों ने भी किया, ये ताज़ीम का सजदा था। तो पहले के ज़माने में जायज़ था, लेकिन इस उम्मत में हराम, इस उम्मत में हराम, है ना। आप किसी के सामने जाकर अपना अपनी पेशानी जो है ना वो ज़मीन पर नहीं रख सकते, हाँ, ये ताज़ीम जायज़ नहीं है। तो हाथ चूमना ये ताज़ीम ठीक है, पैर चूमना तो पैर भी चूम सकते हैं, पैर चूमने के लिए आप कहोगे पैर चूमने के लिए भी तो झुकना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा, पीर के, उलमा के, माँ बाप के पैर चूमे जा सकते हैं, और उसके लिए नीचे जाना पड़े तब भी जा सकते हैं पैर चूमने के लिए, लेकिन ये मैं हूँ, आप आकर सामने या पेशानी ज़मीन पर रखें मेरे सामने आकर, ये हराम है, मेरी ताज़ीम में आपने किया तब भी वो हराम, इबादत तो नहीं है तो हराम है, इबादत के लिए करेगा तो बंदा काफिर और मुशरिक हो जाएगा, काफिर और मुशरिक हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा हुक्म तो कोई दे ही यानी कि दे नहीं सकता, और ख़ास तौर पर वो जबकि नबी हो, तो नबी तो कभी भी ऐसा हुक्म नहीं देगा, इसलिए कि उसकी तालीम तो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुई है, वो कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। वबिमा कुंतुम तदरुसुन, और जैसा कि तुमने जाना था, है ना, तुमने सीखा था या जाना था, तो तुमने किताबों में से भी सीखा, नबियों से भी सीखा, कोई नबी, सिर्फ हुजूर ही की बात नहीं, कोई नबी ऐसा नहीं जो अपनी इबादत का हुक्म देता हो।
तो एक तो यानी कि बाज़ उलमा ने कहा कि हज़रत ये हुज़ूर मुराद हैं या बशर से मुराद हुज़ूर मुराद हैं, जैसे कि बाज़ यहूद नसारा ने कहा कि ये तो अपने आप की इबादत का हुक्म देते हैं तो ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। बाज़ ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं कि लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, उनकी इबादत करना शुरू कर दी, तो अल्लाह ने उनका रद्द नसरानियों का रद्द करते हुए अल्लाह ने आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो लोगों से ये कहे कि मेरी इबादत करो, हाँ मेरा सजदा करो, ये जायज़ नहीं बल्कि मुहाल है। और ख़ास तौर नबी से तो हो ही नहीं सकता, नबी तो आला अखलाक वाले और हिदायत वाले अल्लाह की तरफ से तालीम हासिल करने वाले, तो वो तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। ये क़यामत में एक आखिरी बात बताऊँ फिर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। क़यामत में है ना वो ये नसारा या यहूद यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, और ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा मानते हैं कि खुदा का बेटा खुदा। तो ये क़यामत के दिन जब सारे लोग हाजिर होंगे, इनका हिसाब किताब होगा, अल्लाह तबारक व तआला इनके नबियों से पूछेगा, हज़रत ईसा से पूछेगा, ईसा तुमने कहा था इनको इबादत करना मेरी, तुमने कहा था कि मेरी इबादत करना, हालाँकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन हुज्जत कायम करने के लिए और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। तो कहा तुमने कहा था कि तुम मेरी इबादत करना कहने, हज़रत ईसा नहीं 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 मैंने नहीं कहा था, हज़रत उज़ैर भी कहेंगे, हज़रत उज़ैर से पूछा आपने कहा था इनसे इबादत का, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने तो इबादत के लिए नहीं कहा, हमने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, हमने हमारी ये तालीम, हमने तो पूरी ज़िंदगी यही तालीम दी कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और किसी की इबादत न करो। तो ये तो इन्होंने अपनी जहालत से कुफ्र और शिर्क किया और दूसरों की इबादत शुरू कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये इस तरह का मुकदमा भी पेश होगा और अल्लाह ताला नबियों से पूछेगा तुमने कहा था इबादत के लिए, अगर कहा होता तो फिर ये भी जाते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मासूम हैं, उनकी ज़बान से इस तरह की बात निकली नहीं सकती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें एक तौफीक अता फरमाए आगे की आज जो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर तफसीर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।